हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर हम बीएबीएससी के जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जैसे सेकंड सेम के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम कंप्लीट होते ही आपको कौन कौन सी बुक परचेज करनी पड़ेगी, कौन से मैथ्स है जो आप पढ़ोगे, उनका कितना सिलेबस होगा, यूनिट वाइज सिलेबस कैसे है, कौन सा मुश्किल है, कौन सा आसान है, किन को आप ईजी कर पाओगे, तो ये सारे पॉइंट आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू भी दें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो ये सारा सिलेबस मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिए, सिलेबस इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। ये जो भी सिलेबस लिखा गया, मैं पहले बता देता हूँ, ये जीवन संस न्यू कॉलेज की बुक से लिखा गया है। अभी ये बुक का नाम ये है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में कुछ एक दो चैप्टर ऊपर नीचे हो जाते हैं कि सर 10 की जगह हमारे में तो 12 हैं, हमारे में तो पीछे वाला चैप्टर भी आ गया, हमारे में ये आ गया, तो हो सकता है 19-21 का चेंज हो, लेकिन ये नहीं होता कि कम्प्लीटली सिलेबस चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बुक मैंने यूज़ की है, जीवन संस न्यू कॉलेज, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ भी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, आपके पास तीन मैथ्स फिर से आने वाले हैं, सेकंड सेम के अंदर भी पढ़ चुके हो, तो जो सेकंड सेम वाले मैथ है वो काफ़ी हेल्प करेंगे यहाँ पे। अब वो हेल्प कैसे करेंगे वो देखिए, जैसे पहला मैथ है एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस, कैलकुलस का नाम लेते ही आपके माइंड में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ जाता होगा कि सर पक्का डेरिवेटिव की बात होगी, पक्का इंटीग्रेशन की बात होगी। भाई कैलकुलस है ही ये चीज़, कैलकुलस मैथ की ब्रांच है जिसमें डेरिवेटिव से रिलेटेड पढ़ा जाता है। दूसरा जो मैथ है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके लिए थोड़ा ईजी होने वाला है। ईजी क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही आप सेकेंड सेम में इसे के भाई बंधु को पढ़ के आए हैं, ओडी को, ठीक है ना, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जिन्होंने ये मैथ अच्छी तरीके से पढ़ रखा है उसको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, अभी ऐसे फटाफट से क्वेश्चन निकलेंगे, यानी कि बहुत कुछ यूज होगा ओडीई का इसके अंदर। थर्ड है जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स के भी बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम एडवांस कैलकुलस से भी। जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान मैथ है इन तीनों में से वो है भी एडवांस कैलकुलस। सिंपल आपको डेरिवेटिव, यानी कि आप ये समझ के चलिए कि अगर आपको 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 to 11 अच्छी तरीके से आता है, चैप्टर नंबर 6 to 11, जैसे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंसिबिलिटी क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन उसकी एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन उसकी एप्लीकेशन, ये बहुत सारे टॉपिक थे, या डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीज़ अगर आपको अच्छी तरीके से पता है तो ये वाला पोर्शन बड़े आसानी से आप कवर कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलस का मेन मुद्दा ही डेरिवेटिव से रिलेटेड है। कंटिन्यूटी डेरिवेबल हर जगह यही आएगा। तो अब जैसे पहली यूनिट है, पहली यूनिट आपके तीन चैप्टर कवर करती है। अभी यहाँ से जो फर्स्ट यूनिट है, मैंने कलर वाइज लिखा भी, आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो फर्स्ट यूनिट होगी, ये मैं यूनिट लिख देता हूँ यहाँ, ये है आपकी फर्स्ट यूनिट कवर करेगी पहले तीन चैप्टर। और ये पहले तीन चैप्टर ऐसे हैं जो आप 12th में पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा हाई लेवल अब आपको पढ़ना होगा, यानी कि आपको ये नहीं मिलेगा कि सर ये तो फर्स्ट टाइम सुने, ऐसा कुछ नहीं, आप पहले पढ़ चुके हो। कंटीन्यूअस फंक्शन सभी को पता होता है, जिस फंक्शन का हम ग्राफ बिना पेन पेपर उठाए सो ड्रॉ कर सकते हैं उसको कंटीन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, 11th 12th में बता दिया होगा आपको। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम, अब 12th में दो थ्योरम आप पढ़ के आए हैं, एक रोल्स थ्योरम थी और एक मीन वैल्यू थ्योरम थी। अगर आपने एलिमेंट मैथ पढ़ा है तो 7.10 और 11 के अंदर आती हैं, डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन के अंदर। तो डेरिवेटिव यानी कि रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम आप वहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ भी वही है बस, वहाँ सिर्फ आपको उनकी स्टेटमेंट बताई जाती थी, हाँ भाई ये रिजल्ट है, यहाँ आपको भी तो प्रूफ बताया जाएगा, हाँ भाई ये रिजल्ट आया तो आया कैसे। उसके बाद इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये 11th में लिमिट एंड कंटिन्यूटी में पढ़ के आए थे आप लिमिट्स के अंदर, कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर 0/0 आ जाए तो कैसे उसको सोल्व करना है, इनफाइनाइट बाय इन्फिनिटी आ जाए तो यानी कि कैसे उसको सोल्व करना है। वैसे ये टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, जो बेसिक होती है वो 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही होती है। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है ना, ये बड़ी आसान होने वाली है अभी, क्योंकि इसमें 11th 12th का पोर्शन कवर होगा और वो चीज़ आपने पढ़ रखी है तो स्पीड से चलेंगे इसमें। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 4th और 5th को मिलाकर बनती है आपकी सेकेंड यूनिट, यहाँ से कवर होती है सेकेंड यूनिट भी। सेकेंड यूनिट यानी कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन 2 वेरिएबल। अब देखो चेंज क्या आया है, पहले जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी हम क्लास 12th में पढ़ के आए हैं वो थी सिर्फ 1 वेरिएबल, यानी कि या तो सारा फंक्शन एक्स में चल रहा है या सारा फंक्शन वाई में चल रहा है, लेकिन एक्स वाई मिक्स नहीं होते थे।
अब क्या है, दो वेरिएबल आएंगे, यानी कि फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि cos एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इसको कंटिन्यूस प्रूव करो, यानी कि दो दो वेरिएबल होंगे भी। अब उसको कैसे कंटिन्यूस प्रूव करना है वो ये वाला चैप्टर हमें बताएगा। उसके बाद है पार्शियल डिफरेंशिएशन, अलग अलग करके डेरिवेटिव करना, एक को कॉन्स्टेंट मान लेना, दूसरे का डेरिवेटिव करना, दूसरे को कॉन्स्टेंट मान लेना, पहले वाले का डेरिवेटिव करना, ये आप सीख भी चुके हैं शायद, फर्स्ट सेम में आया था ये, तो ये भी बड़ा आसान सा टॉपिक है। उसके बाद जो आपकी थर्ड यूनिट है वो कुछ इस टाइप से है, चैप्टर नंबर सिक्स और सेवन्थ कवर करती है, ये है थर्ड यूनिट, यानी कि आप ये मान के चलें कि डिफ्रेंसिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब वही चीज़ ट्वेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, सिक्स चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज क्या थी, डिफ्रेंसिबिलिटी, लेकिन उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे, वहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था, ये वही चीज़ दो वेरिएबल में आपको बताएगा, बस इतना सा चेंज आया है। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने पढ़ा होगा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, ये क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक है, उन्हीं का एक लेवल बढ़ के ये मैथ आएगा। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि जो एडवांस कैलकुलस है बच्चे बड़ा आराम से कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। तो आराम से का मीनिंग क्या है कि आपको प्रीवियस वाला आना चाहिए, जो पीछे वाला आपका पास्ट है वो आपको रिवाइज होना चाहिए, ये नहीं कि सर डेरिवेटिव क्या होता है हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, फिर नहीं कर पाओगे, फिर काफ़ी मुश्किल होगी। यानी कि जो कैलकुलस वाले चैप्टर्स हैं क्लास ट्वेल्थ के, अगर वो आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं तो यहाँ बहुत हेल्प होगी भाई आपकी, बहुत आसान लगेगा ये आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट, वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर आती है, अभी है तो ये कैलकुलस के अंदर ही, लेकिन एक अलग पार्ट बना दिया गया कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री की क्या है यूनिट है। अब ये यूनिट इसमें करने लायक है, ये मतलब करने लायक का मीनिंग ये नहीं होता कि सर ऊपर वाली तो इसका मीनिंग करने लायक नहीं है, करने लायक का मीनिंग एक अच्छे कंसेप्ट जिनसे आप नए नए इंट्रोड्यूस होंगे, यानी कि नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कर्व इन स्पेस, इसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखना। कर्वेचर के बारे में आप पढ़ोगे तो ये पहले सीखने को मिलेगा, कर्वेचर क्या होती है, सर्कल के और स्फेरिकल कर्वेचर में क्या अंतर होता है, इन्वोल्यूट्स एंड इन्वोल्यूट्स ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, इससे पहले आपने नहीं पढ़े, तो ये कुछ है जो आपके लिए नया आने वाला है। पहले तीन यूनिट हैं, इसमें से मैक्सिमम टॉपिक आपको ऐसा लगेंगे हाँ सर पढ़ रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है भी, एडवांस तो नाम के अंदर ही आता है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब सिंपल कैलकुलस होता है तो ट्वेल्थ वाला मैथ नहीं दे देते आपको, तो इस तरीके से। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सरफेस ऑफ एनवलप्स, अब बच्चे बोलेंगे सर कुछ के माइंड में आ रहा है सर लिफाफे का क्या काम है मैथ में, अरे इसमें क्वेश्चन नहीं डाल के लेके जाने, एनवलप ये टॉपिक है इसके अंदर, कहीं उसको लिफाफा समझ लो कि सर एडवांस कैलकुलस को लिफाफे में पैक करके फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फेंकना नहीं है भी इसको, क्लियर करना है, ध्यान रखना। तो ये जो यूनिट है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपके लिए अलग होने वाला है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने को इनसे भी मिलेगा, लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जो आपने पहले पढ़ रखे हैं आपके लिए बिल्कुल नए नहीं है। तो ये था भी एडवांस कैलकुलस, पहले तीन यूनिट पे आपने पूरा जोर लगाना है, बड़ी आसान से जल्दी हो जाएगी, जोर इस पे भी लगाना है, लेकिन ये नए टॉपिक है, हो सकता है आपको थोड़े कम समझ में आए, थोड़ा टाइम ले, ये टाइम कंज्यूमिंग यूनिट है आपके लिए समझे, ये इतना टाइम नहीं लेगा। उसके बाद अब आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे, पीडीई बोला जाता है शॉर्ट में इसको, जहां भी पीडीई मैंने लिख रखा है उसका मीनिंग आप समझ जाना कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है अभी। अब जिसने सेकंड सेमेस्टर के अंदर ओडी पढ़ लिया ना, उसका ये मान के चलो 40% तो ये कवर हो गया अभी। अगर आप ओडी पढ़ चुके हैं तो पहले आपको देखो डिफरेंशियल इक्वेशन पता होनी चाहिए, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इन दोनों के बीच अंतर पता हो, उसके बाद फिर आपने ये पढ़ना है। ओडी आपका कंप्लीट होना चाहिए भी, अगर ओडी आपका कंप्लीट है तो मैं गारंटी देता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। जैसे अब इसमें यूनिट वाइज बात करते हैं, जो पहली यूनिट में आपके तीन चैप्टर कवर होंगे भी, ये फर्स्ट यूनिट है, लिख देता हूँ मैं फर्स्ट यूनिट, जिसमें है फॉर्मेशन ऑफ पीडी, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो बनाया कैसे जाता है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर नॉन लीनियर क्या होती है, जैसे ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्लास ट्वेल्थ में एक एक्सरसाइज आती थी, फर्स्ट एक्सरसाइज थी, कौन से चैप्टर की थी वो, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन वाले की, इलेवंथ की ही, तो उसमें सिंपल हमें क्या ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, लीनियर है कि नहीं, नॉन लीनियर है कि नहीं, बस ये बातें बतानी होती थी। अरे भाई जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो उसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होगी, इस तरीके से। तो ये बड़ी बेसिक सी यूनिट है, इसके बारे में भी आपने पहले पढ़ रखा है, ओडी के अंदर भी आप पढ़ चुके हैं और ट्वेल्थ के अंदर भी आया है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है और डिफरेंशियल इक्वेशन तो आया था ट्वेल्थ के अंदर। उसके बाद अब सेकेंड यूनिट की बात करते हैं भी, जो सेकेंड वाले यूनिट हैं उसके अंदर आपका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ये होगी आपकी सेकंड यूनिट। लेवल बढ़ने का मीनिंग है
लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की थी, अब यहाँ सेकंड ऑर्डर आने लगेगा, सेकंड एंड हायर ऑर्डर, क्या आपका थर्ड ऑर्डर भी आ जाए, फोर्थ भी आ जाए, चलो फोर्थ तक तो इतना नहीं जाएगा, सेकंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम मिलेगा आपको यहाँ। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर और हाईएस्ट ऑर्डर की, ये आपको पढ़नी है अभी चैप्टर नंबर फोर्थ के अंदर। और फिफ्थ के अंदर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशेंट, ये ओडी के अंदर आपने जो फिफ्थ चैप्टर पढ़ा है ना उसमें क्या था, जो कोफिशेंट होते थे वो भी वेरिएबल की फॉर्म में होते थे, फिर हम उनको चेंज करके किस में ले जाते थे, कॉन्स्टेंट की फॉर्म में, और फिर वही फोर्थ चैप्टर वाले मेथड लगा के D1 D2 ये जो भी था वो सारा हम सोल्व कर देते थे, ऐसा इसके अंदर होने वाला है भी। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ओडी का आना जरूरी है, जिसने ओडी पढ़ लिया ये समझो पीडी गया उसका, क्लियर है। उसके बाद तो सिक्स्थ पे आते हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ चैप्टर आपकी थर्ड यूनिट को कवर करते हैं भी, ये है थर्ड यूनिट, ठीक है ना। थर्ड यूनिट के अंदर है क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक नया सा टॉपिक है अभी, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं उनको, कितने टाइप्स के होते हैं, इस तरीके से कितने काइंड्स होते हैं, और इसकी कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, जैसे वहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी इसी टाइप से यहाँ कैनोनिकल फॉर्म आ गई, बस देखो कुछ तो बदलना पड़ेगा तभी तो मैथ अलग है, अगर सेम वही कंसेप्ट दे दिए फिर आप ये ना बोलते सर इसी की फोटोकॉपी करवा लेते हैं, क्या जरूरत है, सेम ही तो है, ठीक है ना, यानी कि है उसके जैसा डिफरेंट, उससे काफ़ी हेल्प होगी आपकी। तो ये आपकी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में मोंक्स मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते हैं भी हर साल फॉर पीडी एंड सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना, जो पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर की, उसके लिए मोंक्स मेथड कैसे यूज करोगे सोल्व करने के लिए, ये हम सेवन चैप्टर में पढ़ेंगे, सेवन चैप्टर में एक ही मेथड है मेन, ज़्यादातर जो पूरा चैप्टर है वो इसी पे टिका हुआ, छोटा सा चैप्टर आराम से हो जाएगा। उसके बाद लास्ट के दो चैप्टर बचते हैं अभी एट्थ और नाइन्थ, जो आपकी कवर करते हैं फोर्थ यूनिट, ये कवर करेंगे फोर्थ यूनिट को, ठीक है ना। जैसे करेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी, जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना गुण क्या क्या है लड़के में, वही चीज़ इस मैथ के गुण क्या क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कोची प्रॉब्लम, ये कोची हर जगह बीच में आके बैठ जाता है, आपको लगता होगा कि सर पहले वाले मैथ के उसमें कोची आ गया, अब फिर कोची आ गया, अरे आता रहेगा, इसकी आदत है हर जगह बैठने की, ये मेरे ख्याल से लगभग सभी मैथ के अंदर आपको कहीं ना कहीं बैठा मिल जाएगा, ये मैट्रिक्स के अंदर भी बैठा रहता है, डेरिवेटिव के अंदर भी, इंटीग्रेशन के अंदर भी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ कहा जाता है कोची फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम थर्ड थ्योरम, पता नहीं कहाँ कहाँ, ये ऐसा बंदा है ऑलराउंडर है, हर जगह आपको मिलेगा। उसके बाद नाइन्थ में है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल को हम सेपरेट कैसे करते हैं, ये आप ट्वेल्थ में भी पढ़ के आए थे लेकिन वो जीरो लेवल था, अब यहाँ अच्छा लेवल, इसमें वेव हीट एंड लैपलेस इक्वेशन आएंगे, अब जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उसको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है उसको लगेगा सर वेव हीट, हीट गर्मी, मैथ में गर्मी कैसे आ गई, मैथ तो वैसे ही ठंडा होता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो दिस मीन्स ये फिजिक्स वालों का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा जल्दी क्लियर होगा, इसमें आर्ट्स वालों को चलो समझने में हो सकता है उनसे कुछ ज़्यादा टाइम लगे लेकिन समझ में आपको भी आएगा भी। तो ये है टोटल चार यूनिट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से आप ये मान सकते हो कि ये जो दोनों मैथ्स है वो मैं इजी पोर्शन के अंदर रखता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों मैथ्स ईजी पोर्शन के अंदर आते हैं, ठीक है ना, खासकर आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए जो बीए कर रहे हैं, बीए विद मैथ्स कर रहे हैं भी, वो यहाँ पे फोकस करें, ये आपका एक अच्छा एरिया है स्कोर करने का, ठीक है ना। जो ये थर्ड वाला है ना, थर्ड वाले के नाम देख के आपको हंसी आने लगेगी, जो आर्ट्स वाले हैं, देखो ग्रेजुएशन वालों को, जो बीएससी वाले हैं उनको ये आदत पड़ चुकी है, क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो फिजिक्स पढ़ते हैं कि सर फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, सर फिजिक्स आ गया बड़ा आसान होगा कर लेंगे, पैरेलल फोर्सेस हाँ आता है ये भी, मोमेंट्स कपल्स, अब बच्चों को लगेगा सर कपल कहाँ से आ गया इसके अंदर, मैथ्स में कपल कैसे बैठे मिलेंगे क्या, अरे ये वो वाला कपल नहीं है, फिजिक्स के कपल्स हैं, यानी कि ये मान के चलो कि जिन बच्चों के पास फिजिक्स है या जो बीएससी नॉन मेडिकल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, तो उनके लिए ये काफ़ी आसान होने वाला है भी, ठीक है ना, उनको ये थोड़ा जल्दी समझ में आता है। अब मैं ये नहीं बोलता कि नहीं आर्ट्स वाले नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ है आपको साइंस के स्टूडेंट से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है समझने में, क्योंकि आप टेंथ के बाद साइंस उस तरीके से नहीं पढ़े हैं जिस तरीके से पढ़नी चाहिए थी। तो ये जो टॉपिक है, ये जो मैथ है पूरा, ये फिजिक्स और मैथ का ऐसे ना, एक फिजिक्स डाल दी, एक मैथ डाल दिया, उसको पीस दिया अच्छी तरीके से, गोल बना दिया, बाहर निकाला तो हमें स्टैटिक्स मिला, इस तरीके से आप समझिए। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है उसमें फिफ्थ सिक्स और सेवन चैप्टर कवर होंगे, ये है भी सेकंड यूनिट, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट काफ़ी इजी सी है, बस आपको फोर्स वगैरह ये लगाने आने चाहिए, पैरेलल में कैसे लगाते हैं, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, ये बचपन में हम एग्जांपल करते थे कि रस्सी पे कपड़े सुखा रहे हैं वो नीचे क्यों चली जाती है, वो ऊपर क्यों नहीं रहती, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना।
अब और कोई भी है वायर के बीच में, हम कुछ लटका देते हैं, वो बीच में से बेंड क्यों हो जाती है, सिरे ऊपर क्यों रहते हैं, तो ये फिजिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक हैं। सेकंड में एनालिटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनको इक्विलिब्रियम देखते ही समझ में आ गया होगा, हाँ सर हमें पता है इक्विलिब्रियम क्या है, इधर से भी उतना ही फोर्स, उधर से भी उतना ही फोर्स, जो बीच में है वो बीच में ही रहेगा, इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन आर्ट्स वालों को ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि उन्होंने पढ़ नहीं रखा, अभी आपको फर्स्ट टाइम पढ़ना है, ये फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा अप्रोच होगी इनकी। फ्रिक्शन, आप फिजिक्स वालों को फ्रिक्शन देखते सुनते याद आ गया कि सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है कि क्रिकेट में जब हम शॉट मारते हैं बॉल अपने आप बाउंड्री से पहले कैसे रुक जाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, अरे वही आप यहाँ पढ़ोगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वही न्यूटन वाला सेब ऊपर फेंक दिया ऊपर लगा ग्रेविटी आ गई वो वाली चीज़, अब साइंस का कंसेप्ट है तो भाई साइंस वाले थोड़ा जल्दी समझेंगे, आर्ट वालों को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा फिजिक्स वाला पोर्शन फिर है, और एट्थ नाइन्थ जो चैप्टर है ये आपकी कवर करेंगे थर्ड यूनिट, ठीक है ना, ये आपकी थर्ड यूनिट कवर करेंगे जिसके अंदर वर्चुअल वर्क एंड फोर्सेस इन थ्री डायमेंशन, इनकी थ्री डायमेंशन 3D स्पेस के अंदर फोर्सेस कैसे वर्क करती हैं और वर्चुअल वर्क हम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आपकी आएंगी एट्थ और नाइन्थ चैप्टर में जो आपकी थर्ड यूनिट कवर करेगा। उसके बाद जो लास्ट बचता है अभी, ठीक है ना, लास्ट बचता है 10th 11th और 12th, ये है आपकी फोर्थ यूनिट। अब सर वही चीज़, अब कुछ बच्चों ने साइंस नहीं पढ़ी है, सर रेंचेज, हाँ किसी चीज़ में कुछ स्कूटी ठोक दी रेंच हो गया इसमें टेड हो गया, वो रेंचेज होते होंगे, अरे वो रेंचेज नहीं है, ये फिजिक्स के रेंचेज हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे समझ में आएंगे जब आप करोगे। नन लाइन्स नन प्लेन्स, अब नाम सुन के आपको भी ऐसा लग रहा सर खाली लाइन का मीनिंग क्या होता है, लाइन क्या भरी हुई होती है, खाली होती है वो, तो यहाँ वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि उसको नन लाइन्स बोला क्यों गया, ऐसा क्या है उसके अंदर भी, लाइन के खाली लाइन क्या अपने पूरे वजन उठा के चलती है, खाली होती है सारी। उसके बाद स्टेबल एंड अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो ये भी सारे जो मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये फिजिक्स के से रिलेटेड है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये मान के चलो कि जो स्टूडेंट्स आर्ट वाले हैं उनके लिए ये पोर्शन थोड़ा टफ होने वाला है, देखो एक्चुअल में टफ नहीं है, जब हम पढ़ते थे हमें भी लगता था हाँ भाई ये टफ है, लेकिन अब समझ में आए तो था ही कुछ नहीं, आराम से कर सकते थे हम, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते थे, लेकिन बस ये है कि आपका साइंस से टच छूट गया है, तो चीज़ें अगर मान लिया ग्रेजुएशन जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनको अगर ये 30 मिनट में समझ में आ जाता है, हो सकता है आप 45 मिनट ले ले, हो सकता है आप एक घंटा भी ले ले, डबल टाइम लगे, बस ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, मेहनत करोगे हो जाएगा, लेकिन जो आपका मेन फोकस है वो यहाँ रहना चाहिए इस वाले पे, जैसे आप देख रहे हैं ये वाले पहले दो मैथ्स, इन पे फोकस करो, इसको फटाफट से निपटा दो, बाद में स्टैटिक्स पे जाना, ठीक है ना। अब कई बच्चे करते हैं नहीं सर मुश्किल सबसे पहले पढ़ेंगे, वो एक दो चैप्टर में घिस जाते हैं ऐसे 10-15 दिन लगाते हैं समझ में नहीं आ रहा, वो इधर वाले को भी छोड़ देते हैं, फिर रहने दे समझ में नहीं आ रहा, क्यों टाइम वेस्ट करना है इसमें, पासिंग मार्क्स ये हो जाएंगे बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप इजी पोर्शन ये दोनों अच्छी तरीके से कवर करेंगे, इसको साथ साथ पढ़ते रहो, लेकिन इस पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना अगर समझ में ना आए कि सर हो नहीं रहा उसमें फेल होंगे, ऐसा कुछ नहीं अभी, ठीक है ना, हो जाओगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना यहाँ, यहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, फोकस वहाँ भी करोगे लेकिन धीरे धीरे बनेगा वहाँ। तो इस तरीके से कुल मिला के 11 चैप्टर यहाँ है, 9 यहाँ है, 12 यहाँ है, तो टोटल चैप्टर होते हैं आपके 32, जो थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपने कवर करने हैं भी वो 32 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट आपने पढ़ना है, कोई भी चीज़ छोड़ दी नहीं है, अभी सेमेस्टर स्टार्ट होगा क्योंकि कई बच्चे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, सर 3 चैप्टर है यूनिट के अंदर, पहला कर ले क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा, इसी को लगा देंगे, 2 को छोड़ देते हैं। अब चलो मान भी ले भी आपके पास सिलेबस ज़्यादा है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो इतना, आपने 2 चीज़ें छोड़ दी, एक चीज़ यहाँ से छोड़ दी, एक यहाँ से, आपने आधे आधे यूनिट कवर कर ली और वहाँ से हो सकता है आपके पासिंग मार्क्स आ गए, थोड़े बहुत ठीक नंबर भी आ गए, लेकिन क्या जो आपने छोड़ा है इसकी गारंटी है ये अगले पेपर में नहीं आएगा, जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उस मैथ में क्या आपका यही टॉपिक आ जाए, और उसके लिए फिर आपको बेसिक इसी का पढ़ना पड़े कि प्रोफेसर बोलते नहीं भी इसको पढ़ने के लिए उसकी सेकंड चैप्टर आना जरूरी था, सर हम तो सेकंड छोटे बैठे हैं, तो इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि मैथ में कब कहाँ के कौन बैठ जाए। तो कोशिश किया करो जितना मैक्सिमम आप कवर कर पाओ उतना मैक्सिमम आप कवर करो, और इससे क्या होगा कि आने वाला जो टाइम है वो आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि आज हम अगर ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कल वाला काम आज हम निपटा लेंगे, अगर आज हम पढ़ ही नहीं रहे तो आज वाला काम हम आगे ऐड कर देते हैं, अब जब आज का आज ही नहीं हुआ तो कल में आज और कल कैसे हो जाएगा, नहीं होएगा। तो इस वजह से
सीटिंग बनाओ अपनी अच्छी तरीके से ज़्यादा पढ़ो, जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को कवर करो, जैसे एग्जाम फिनिश होते तुरंत लग जाओ। ये मत सोचना सर एडमिशन चल रहे हैं अगस्त में, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, एक महीने बाद पढ़ लेंगे। भी टाइम वेस्ट करोगे उतना ही आपका नुकसान होगा, यानी कि आप ये मान के चलो आपने एक दिन का टाइम वेस्ट किया है तो आपके अगले चार दिन वैसे ही ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन आप पढ़े नहीं, चार दिन आपको समझ में नहीं आना। तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए, आसान चीज़ें हैं, हो जाएंगी। बस अब देखो कई बार बच्चे सोच लेते हैं सर मुश्किल है, अब भाई मुश्किल है और आपने उसको छोड़ दिया, सर छोड़ देते हैं मुश्किल है, आपने तो उसको और ज़्यादा मुश्किल बना दिया। जो चीज़ें मुश्किल है उसको बार बार प्रैक्टिस में लेके आओ, कम से कम उसको 8-10 बार करो। 11वीं बार में आपको याद ना हो जाए तो हमें कहना, यानी कि याद ना होने का मीनिंग मैं थोड़े ही कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को रट लो, बस ये चीज़ें हैं भी आपको समझ में आने लगेगा अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे। मुश्किल चीज़ें हैं तो आप छोड़ के नहीं चलोगे, आसान चीज़ें हैं तब भी आप छोड़ के नहीं चलोगे। सर आसान हो जाएगा, यही फंसाता है आपको हमेशा, हो सकता है मुश्किल क्वेश्चन आपसे निकल जाए आसान नहीं निकले। तो हर चीज़ पे इक्वल फोकस रखना है, जो भी आपका पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा इधर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसमें आपने नंबर अच्छे खींच लेने हैं। तो ये सारे चीज़ें जो मैंने पॉइंट आपको बताया इन पे फोकस करना है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका सिलेबस, अब नेक्स्ट वीडियो से हम एडवांस कैलकुलस या फिर इधर से PD एक वो पोल करवा के स्टार्ट कर देंगे कि कौन सा मैथ बच्चे स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, रिव्यू देने के लिए कमेंट बॉक्स को जरूर भर दें, एक दो कमेंट उसके अंदर डालें कि सर ऐसा लगा ऐसा लगा, ताकि मेरे को भी आइडिया हो कि आप किस टाइप की वीडियोज़ चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।